गुड मॉर्निंग क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 देयर इज नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट व्हिच वेयर टू प्लेस स्कूल इन मोली विलेज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 एट द रेट 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट इज विलेज पंचायत 75,000 to finish the plot. What is the dimension of the plot? ये कोई आई रेक्टिकुलर कोई प्लॉट है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दे रखा है वो 11:4 है और उसके चारों तरफ फिनिश मतलब चार बंदी या इसे बोल सकते हैं घेरा या बाढ़ इसके लिए जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज पर मीटर है और टोटल कॉस्ट है कितनी है 75,000 रुपीज कॉस्ट है तो इसके जो रेक्टेंगल प्लॉट है इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें बतानी है तो हमें पहले क्या क्या दिया हुआ वो देखते हैं हमें दे रखा है लेंथ एंड ब्रेथ लेंथ ओ प्लॉट इज लेंथ कितनी है 11 रेशियो में है तो 11 एक्स मानेंगे ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज 4:4x 11:4 11:4 था इसको अलग अलग करने रेशियो से अलग करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया 11x तो क्या है इसकी लेंथ है और 4x इसकी क्या है ब्रेथ है अब ये तरह से कैसा है रेक्टेंगल प्लॉट है इस प्रकार का ठीक है तो ये बोल रहा है तारबंदी के लिए तारबंदी अगर करेगा या फिनिशिंग जब करेगी तो इसके चारों तरफ होगी चारों तरफ के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है पैरामीटर तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का सूत्र क्या होता है पैरामीटर की बात कर रहा है ये बोल रहा है कि जो पैरामीटर है जो इसका पैरामीटर आएगा उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों रेट 100 दे रखी है पर मीटर तो पैरामीटर आ जाएगा इसका टोटल पैरामीटर आ जाएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो प्राइस होगी वो 75,000 होगी ये चीज हमें दे रखी है अब हमें करना क्या है इसका पैरामीटर निकालना है लेंथ है ब्रेथ है इसका पैरामीटर निकालना है पैरामीटर निकाल के इसमें पैरामीटर इसकी जगह रखना है और इसकी जगह रख के फिर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ एक्स की वैल्यू दोनों जगह पुट करनी है तो देखते हैं इसकी पैरामीटर की बात करते हैं तो 11x और x हो गई इसकी लेंथ और ब्रेथ पैरामीटर की बात करते हैं तो क्या होता है सूत्र क्या होता है पैरामीटर का लेंथ लेंथ एंड ब्रेथ टू लेंथ कितनी है इसकी लेंथ 11x और 4x ब्रेथ कितनी है 4x 11 और 4 15x ओके 15 मल्टीप्लाई टू 30x कितना हो गया 30x क्या हो गया इसका पैरामीटर ठीक है 30x को मैं याद रखूं पैरामीटर 30x मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 75,000 100 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइडेशन में 30x इक्वल्स टू 75,000 अपॉन 100
जीरो से 30x इक्वल टू 750, x इक्वल टू क्या आएगा 30 मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड इसमें 750 30 x इक्वल टू 750 डिवाइड बाय 30 जीरो से जीरो 2 25 आ गया। किसकी वैल्यू है 25? अक्ष की वैल्यू। अक्ष की वैल्यू यहां रखेंगे पुट करेंगे तो लेंथ इज 11 एक्स या 11 मल्टीप्लाई 25 11 मल्टीप्लाई 25 करो 25 572 कितना आया 275 मीटर। ओके और जब ब्रिज की बात होती है तो 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आया 275 मीटर लेंथ और ब्रिज की दिया ही 100। एक बार वापस उसको रिवाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 11 और 4 ब्रिज इज 4 तो 11 रेशो 4 मैंने 11x और 4x हमने मान ली ठीक है। पैरामीटर मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 75,000 ये हमें दे रखा है। उसके चारों तरफ बार करने पर जो खर्च चलता है वो खर्च कितना है 75,000 है और खर्च कितना पर मीटर है 100 रुपीज पर मीटर उसका खर्च है। तो इसका पैरामीटर अगर ज्ञात है हमें पैरामीटर में अगर गिवन होता तो हम यहाँ रख के इसकी वैल्यू पुट कर लेते लेकिन पैरामीटर में नहीं दे रखा है। ब्रेथ एंड लेंथ वो दे रखी है रेशियो में दे रखी है। रेशियो में मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इसका पैरामीटर निकालते हैं 11x और 4x तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी लेंथ 11x प्लस 4x दोनों को प्लस हो गया 15x हो गया 15x मल्टीप्लाई 30x ये क्या हो गया पैरामीटर। इस पैरामीटर को मैंने यहाँ रख दिया पुट कर दिया इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो 30x प्लस 100 इक्वल टू 75,000 30x इक्वल टू 100 का डिवाइडेशन हो गया 30x इक्वल टू 750 हो गया 30 का डिवाइडेशन हो गया x इक्वल टू 750 अपॉन 30 तो x इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई 25 x की वैल्यू यहां 11x में यहां लेंथ की लेंथ ज्ञात करनी है तो लेंथ में रखेंगे इसकी 11x 11 मल्टीप्लाई 25 x की वैल्यू रख दी यहां तो 275 मीटर हमारी लेंथ आ गई। और ब्रेथ की बात करें 4x की 4 मल्टीप्लाई टू 25 100 हमारी मीटर क्या आ गई ब्रेथ आ गई। क्वेश्चन समझ में आया एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। असल बाय टू काइंड ऑफ द क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म सेट मटेरियल दैट कॉस्टिंग 50 रुपीज पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट ऑफ 90 रुपीज पर मीटर For every 3 meter of the said material, he buys 2 meter for his trouser material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively.
ही टोटल सेल ऑफ 36,660 रुपीज। हाउ मच चार्जर मटेरियल विल ही बाय? हसन द स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसने दो प्रकार के क्लॉथ या दो प्रकार के कपड़े उसने सेलेक्ट किए, एक ट्राउजर के लिए और एक शर्ट के लिए। और ट्राउजर और शर्ट के जो रेट थी पर मीटर वो अलग अलग थी। शर्ट की जो मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो 50 रुपीज पर मीटर थी और ट्राउजर मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो 90 रुपीज पर मीटर थी। उसने 3 मीटर शर्ट और 2 मीटर ट्राउजर सेलेक्ट किया। 3 मीटर तो शर्ट के लिए और 2 मीटर ट्राउजर के लिए उसे कपड़ा चाहिए था। इस सेल मटेरियल उसने 12% किस पर? ट्राउजर पर, और 10% 12% शर्ट पर और 10% ट्राउजर पर उसको प्रॉफिट मिला। और जो उसको प्रॉफिट इस टोटल सेल हुई वो हुई 36,660 रुपीज़ की। तो वो जो ट्राउजर मटेरियल का जो कपड़ा था वो कितना था उसके बारे में, कितना खरीदा उसके बारे में मैंने पूछा है। फर्स्ट टाइम में रेशो दे रखा है कि उसने कितना कितना कपड़ा खरीदा। तो ट्राउजर और शर्ट, ट्राउजर और शर्ट के लिए उसने 2 मीटर शर्ट ट्राउजर और 3 मीटर शर्ट खरीदा था। 2 मीटर ट्राउजर और 3 मीटर शर्ट खरीदा था, ठीक है। दोनों बात थी। तो ट्राउजर मटेरियल
18 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा? यहां तक लिख लिया। इसके आगे देखो, इसको ऐड कर दो इसमें, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180 में 21 ऐड करोगे तो वो आएगा 201.6x। 180 21.6.006.102 यही आएगा। आगे देखो, ये 1000 की टोटल कॉस्ट प्रॉफिट के साथ की टोटल कॉस्ट हो गई। अब ऐसे ही साइड पर देखते हैं, साइड पर टोटल कॉस्ट कितना परसेंट है उस साइड में, साइड की वैल्यू की प्राइस 150x है टोटल, इस पर कितना 10%? 150x मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, 10 से 10 150x प्लस 50x, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे कितना आएगा? 165x। ठीक है, ये प्रॉफिट किसका हुआ? सेट का टोटल प्रॉफिट, ये सेट का टोटल प्रॉफिट 1000 का, इन दोनों को ऐड कर दो और किसके इक्वल रखना है हमें? टोटल सेलिंग के इक्वल रखना है। टोटल सेलिंग कितनी है? 36,660। ठीक है, तो टोटल सेलिंग किसके बराबर होगी? टोटल सेल इक्वल टू 1000 सेल प्लस सेट सेल। ठीक है, 1000 सेल कितनी? 336,660 ये हो गई टोटल सेल। 1000 की सेल कितनी है? 1000 की सेल ये रही 201.6x और 30 प्लस 1x, इन दोनों को ऐड कर दो 201.6165.06.663 कितना आया? 36660 इक्वल टू 366.6x, 366.6x। अब इस x की वैल्यू क्या करनी है? x की वैल्यू क्या करने के लिए इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना है? 36660 अपॉन 366.6 इक्वल टू x। ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो 10 से मल्टीप्लाई करना। ये सेंसर क्या है? ये लो, कितना बचा? 100 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी है? 100 है। लेकिन उसने पूछा क्या है?
उसने पूछा टाउजेंड का मटेरियल कितना होगा, टाउजेंड का मटेरियल कितना था, टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई हंड्रेड, तो टू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, टू एक्स टाउजेंड की मटेरियल कितना था, टू एक्स, एक्स की वैल्यू हंड्रेड आ गई, तो टू मल्टीप्लाई हंड्रेड इक्वल टू कितना गया, टू हंड्रेड, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया मीटर आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आराम से रीडिंग करके फिर करोगे। फर्स्ट टाइम टू और टू रेशियो थ्री रेशियो दे रखा है, जो मटेरियल है ट्राउजर का वो शर्ट का, टू मीटर ट्राउजर होगा और थ्री मीटर शर्ट, शर्ट एक शर्ट बनने में थ्री मीटर लगेगा और ट्राउजर को टू मीटर लगेगा, टोटल कितना है ये नहीं दे रखा, टोटल के लिए मैंने कर लिया कि टोटल टू एक्स होगा और थ्री एक्स होगा, ट्राउजर के लिए टोटल मटेरियल टू एक्स हो जाएगा और शर्ट के लिए थ्री एक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं हम इनकी कॉस्ट दे रखी है, पर मीटर इनकी कॉस्ट दे रखी है तो टोटल हमारे पास है, और एक मीटर की कॉस्ट दे रखी है तो टोटल कॉस्ट हम ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो टू एक्स ट्राउजर के लिए टोटल कॉस्ट क्या है, फाइंड करने के लिए टू एक्स है और उसकी रेट जो है 90 रुपीज पर मीटर, तो इससे टोटल मीटर ये रहा और ये एक एक मीटर की ये रेट दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 180 एक्स आ गया, ये बता रहा है कि एक मीटर 90 रुपये में एक मीटर आता है, तो ये 2x कितने मीटर, 10 मीटर कितने में आएगा 900, तो 2x कितने में आएगा, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करो 180 एक्स, सेम ऐसा ही साइड में होगा, साइड में कितना 3x था, रेट कितनी दे रखी है 50 रुपीज पर मीटर, पूरा मीटर कितना है 3 मीटर, 3x मीटर सॉरी 3x मीटर, 3x को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से तो 150 एक्स आ गया, ये टोटल कॉस्ट हो गई किसकी ट्राउजर की, ये टोटल कॉस्ट हो गई किसकी शर्ट की, यहाँ तक कन्फर्म कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं हम ट्राउजर पर, वो बोल रहे हैं 12% तो ट्राउजर पर कमा रहा है प्रॉफिट ले रहा है 12%, तो इसमें टोटल में इसमें 12% और जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं 12%, 180 प्लस 180 का 12%, 180 का 12% हमारे पास आया 201.6 एक्स, ये हो गया। ऐसा ही उसके साइड पे किया है, साइड पे भी उसने कितना 10% कमाया है प्रॉफिट लिया है, तो 10% प्रॉफिट लेने के लिए 150 एक्स प्लस 150 का 10% हो गया, 10% में 15 एक्स हो गए, तो 150 एक्स प्लस 15 एक्स 165 एक्स, ये साइड की टोटल हो गई, ये ट्राउजर की टोटल हो गई, टोटल सेलिंग ये हो गई और ये टोटल सेलिंग ये हो गई, ये साइड की हो गई, ये ट्राउजर की हो गई। अब लास्ट